कोरोना महामारी के बाद नागालैंड में नई आफत आ गई है। ये आफत है जंगल की वो आग जो मणिपुर के मुहाने तक पहुंच चुकी है। ये आग कोहिमा के टूरिस्ट स्पॉट दुजुकी घाटी में लगी थी, जो फैलते हुए न सिर्फ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है बल्कि इसकी तीखी आंच मणिपुर में भी महसूस की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक की तमाम कोशिशें इस आग को नियंत्रित करने के लिए नाकाफी साबित हुई हैं, इसलिए केंद्र से मदद मांगी गई है। देखिए दावानल की लपटों का कहर। दुजकू घाटी की ज्वाला पूरा जंगल जला डाला, नागालैंड की आग मणिपुर पहुंची आज, कोहिमा में लपटों का कहर, बस्तियों तक पहुंचा डर, तबाही वाली दावानल, भस्म हो रहा है जंगल। नागालैंड के कोहिमा जिले की आग विकराल रूप ले चुकी है। दुजकू घाटी से उठ रही भीषण ज्वाला का असर पड़ोसी राज्य मणिपुर में भी दिखने लगा है। हालांकि संकट से निपटने के लिए मणिपुर सरकार ने एनडीआरएफ और सेना से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन ये जंगल की आग है जो सब कुछ भस्म करने को बेताब है। दुजकू घाटी में आग चिंगारी से लगी और भड़क कर पूरे जंगल में फैल गई। वन विभाग और साओ वॉलेंटियर्स ने आग की लपटों को बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। अब तक भारी वन संपदा को लीलने वाली इस आग से इंसानी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आकलन है कि तेजी से फैल रही आग जल्द ही इंसानी बस्तियों को तहस नहस कर देगी। दुजकू घाटी कोहिमा से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। दुजकू घाटी समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। इस घाटी का क्षेत्रफल मणिपुर के सेनापति जिले तक है, इसीलिए घाटी की आग मणिपुर के रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गई है। जहां भारी जानमाल के नुकसान की आशंका है, इधर दूसरे सिरे पर जंगल की आग कोहिमा यानी कि जिला मुख्यालय तक पहुंचने की आशंका है, इसीलिए नागालैंड और मणिपुर की सरकारों ने हालात पर काबू पाने के लिए मदद की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनिष्ट की आशंकाओं को भांपते हुए दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन इसके लिए जो जरूरत है वो अब तक हासिल नहीं है। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, आसमान से पानी डालने वाले संसाधनों की जरूरत है, वन्य जीवों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स जरूरी हैं, बस्तियों को खाली करवाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त इनमें से कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं हो सके हैं। अब हालात ठीक 2018 की तरह हैं, जब विनाशकारी आग ने इसी घाटी को वीरान बना दिया था। हालांकि उस वक्त के हालात अलग थे, आग इतनी तेजी से नहीं फैल रही थी, लेकिन इस बार पूरे जंगल के नष्ट होने की आशंका है, जिसके जद में न सिर्फ कोहिमा होगा बल्कि मणिपुर का वो इलाका भी जो इस जंगल से घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।